वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है आशीष चौधरी ने और वीडियो का टाइटल है ब्रेकिंग न्यूज, अब हवाई जहाज की रेसिंग में हिंदुस्तान, विप्रो एरोस्पेस इन एयरक्राफ्ट रेस। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक भारतीय कंपनी एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी को खरीदने जा रही है। हम बात कर रहे हैं विप्रो की, जिसके यूएस आर्म विप्रो जीवॉन ने एक यूएस बेस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर को खरीदने की बिट सामने रख दी है। जिस यूएस एरोस्पेस जायंट को खरीदने की बात यहाँ हो रही है वो बोइंग के एक बहुत बड़े सप्लायर्स में से एक है। okay. और बोइंग के लिए कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करती है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल देखा जा सकता है। यूएस बेस्ड बोइंग वेंडर टीईसीटी एरोस्पेस ग्रुप की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वॉशिंगटन में है और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खरीदने के लिए कई एरोस्पेस जायंट्स ने अपनी बिट सामने रखी थी, पर विप्रो ही एकमात्र क्वालिफाइड बिडर के तौर पर सामने आई। विप्रो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को $31 मिलियन में खरीदेगी और इस डील के लिए यूएस की कोर्ट से विप्रो को गो अहेड भी मिल चुका है। टीसीटी एरोस्पेस बोइंग के एरोप्लेन में लगने वाले फ्लाइट कंट्रोल्स, फ्यूजलाज, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स, डोर्स और विंग्स मैन्युफैक्चर करती है और विप्रो द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खरीदने के बाद इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस विप्रो को भी मिल जाएगा। और केवल यही नहीं, विप्रो को लैंडिंग गियर्स, स्ट्रट्स और कॉकपिट मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भी हासिल होगी और इस टेक्नोलॉजी की वजह से विप्रो आगे चल के भारत में बने स्वदेशी एरोप्लेन्स में कंपोनेंट्स भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर पाएगी। वैसे आपको बता दें कि विप्रो भारत में ही बहुत से एरोस्पेस पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और 2016 में भी विप्रो ने एक इजरायली बेस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर का एक्विजिशन किया था। इसके अलावा विप्रो की एक एरोस्पेस प्लांट यूएस में भी है जो बोइंग के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। टीसीटी के ऑफिशियल्स ने अपनी बैंकरप्सी का कारण बोइंग 737 मैक्स के सस्पेंशन और कोविड से हुए नुकसान को बताया। भारत के फिलहाल जितने भी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनीज के वेंडर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये सभी भारतीय कंपनीज इन एरोस्पेस जायंट्स के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करती हैं। पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग से उठ के ये सभी बड़े वेंडर्स अब भारत में एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी 2021 में ही टाटा एडवांस सिस्टम ने एक जर्मन बेस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल किए थे और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पे काम टाटा द्वारा शुरू किया जा चुका है। इस एक्विजिशन के बाद बहुत से क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस विप्रो को मिल जाएगा और विप्रो के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना। पर देखना यह है कि विप्रो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे आगे आएगी या नहीं। भारी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए पीएलआई निकालना शायद अभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छे मार्केट की भी जरूरत पड़ती है। बोइंग और एयरबस द्वारा कैप्चर्ड पूरे विश्व की एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक कस्टमर को ढूंढना सच में एक मुश्किल काम है। पर अगर भारतीय एयरलाइन कंपनीज में भारतीय एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स को रिजर्वेशन दे दिया जाए तो हम भारत को भी एरोस्पेस जायंट बनता हुआ देख सकते हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलने के बाद क्या विप्रो भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी या फिर हमेशा एक वेंडर की तरह ही एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए कॉम्पोनेंट और असेंबली ही करेगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है जिक्र किया गया था कि इंडिया जो है पूरा एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना सकता, तो उसमें जो है हमें ये चीजें पता चली कि भाई इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट जो मुल्क हैं उन पे ये प्रतिबंध है कि वो जो है जहाज नहीं बना सकते क्योंकि एक अच्छी मार्केट नहीं मिलती उन्हें। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उससे पहले हम लोगों को ये आइडिया कभी भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो आपकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से मतलब बताया गया कि जो मतलब इंडियन वेंडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हम कह सकते, क्योंकि हर चीज मिलकर हाँ मतलब एक मुकम्मल चीज तैयार होती है, तो जितने भी कंपोनेंट्स वो तैयार करते हैं अगर आज कंपोनेंट्स तैयार करें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जरूर ऐसा भी होगा कि वो एक दिन पूरा एयरक्राफ्ट भी तैयार करें। वैसे मैं अगर बात करूं तो इंडियन मार्केट कुछ इस तरह के कि जैसे हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया के अंदर अपनी इतनी छोटी छोटी एयरलाइंस है जो चलती है, मेरा ख्याल है कि लाखों के हिसाब से जो है लोग जो है इंडिया में हवाई सफर करते हैं क्योंकि इंडिया में हवाई सफर सस्ता भी बहुत ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो अगर इंडिया जो है जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है कंपनी बंद होने की वजह से जो विप्रो ने खरीद लिया है, तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर इन फ्यूचर वो अपने लिए प्लेन्स बनाता है तो बाहर अगर ना बेच सके उसके अंदर ही जो छोटी छोटी कंपनीज है जिनके पास बहुत ज्यादा प्लेन्स है वो उनको भी बेनिफिट हो सकता है इससे। मुझे भी लगता है कि अगर आप अपने मतलब डोमेस्टिक के लिए मतलब इसको यूज करते हो डोमेस्टिक जर्नी के लिए तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट,
बिल्कुल, ये अगर वो फिर क्या होता है धीरे धीरे जो चीजें उनसे इतना वो खुद ही वक्त के साथ चेंज होना शुरू हो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है आपको इस तरह का फेस करना पड़ता है कि आपको क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा पूरी दुनिया की तरफ से, आपको जो है एक पाबंदी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे आपने एक टाइम लगाया है अपने मुल्क में, आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी जा रही है, तो आप ऐसे मुल्क जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो ये आपके मुल्क में आए, तो इससे भी बहुत ज्यादा वो एक वो तो होता है। लेकिन फिर उसके बाद ये देखो ना कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है जो वो कहेंगे ना कि एक माफिया बोलेंगे, बिल्कुल माफिया ही कहेंगे कि आप उस तरीके से उसको ग्रो नहीं कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर सेक्टर में इंडिया काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ भी रहा है और काफी सारी चीजें वो कर भी रहा है इस तरह से जो कि पहले मे भी बहुत टाइम पहले नहीं की गई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आप चीजों को एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, वो एक बार जब आप चढ़ते हैं तो वो फिर एक टाइम आता है जब वो आपके लिए एक खुला मैदान जो है वो आपके सामने रख देते हैं। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने नो डाउट पिछले कुछ अरसे से वाकई हर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। कई सेक्टर्स चले ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से नहीं वो उस तरह डेवलप हो पाए। जैसे हम ये एरोस्पेस की बात करें तो इंडिया ने अगर देखा जाए तो भाई इसरो में बहुत ज्यादा तरक्की की है, रेलवे में बहुत ज्यादा तरक्की की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। लेकिन क्योंकि ये जो है दूसरे मुल्कों में जाने होते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होते, तो यहाँ पर आगे फिर बहुत ज्यादा चीजों को जो है ना आपको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल, और इसके अलावा हम डीआरडीओ की अगर हम बात करें, डीआरडीओ ने बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूट किया है। और हम यहाँ पर टॉप 10 एरोस्पेस कंपनीज की भी बात करना चाहेंगे जो कि इंडिया की हैं, और उनमें कुछ नाम शायद हम लोगों को सही से ना बोलने आए। बिल्कुल, कुछ इंडिया की हैं और कुछ इंडिया में काम कर रही हैं। बिल्कुल, और इसमें से पहली है एयरनेट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद है अरुण एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत डायनामिक्स है, फिर उसके बाद ये तो काफी ज्यादा फेमस है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोइंग वो सबको पता है बोइंग जो है वो कहाँ की ये जायंट है एक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक लॉकहीड मार्टिन इंडियन लिमिटेड, और आई थिंक ये भी जो है इंडिया ने शेयर्स काफी ज्यादा इसके ऑन किए हुए हैं। लेकिन देखो एक आपका होल्ड तो है ना, आपकी शेयरिंग तो स्टार्ट होगी ना चीजों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीजें होती हैं जो कि आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि टैलेंट कितना है इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि आपकी कंट्री को ऊपर जाता हुआ नहीं देख पाता, मतलब यानी कि वो अपना कहते हैं हाँ एक पॉलिटिक्स होती है ना वो, यार बाहर के तो अलग बात है, हमारे लोकल जो होती है ना वो क्या कहते हैं टांग खींचना, हाँ वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और अभी हम आपसे लेंगे इजाजत, आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, आपका क्या सोच है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें जो हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।